हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। दिस साइट में सुमित एंड यू आर वाचिंग लोकल फिल्म मेकर। इन टुडेज वीडियो वी विल बी लर्न हाउ टू रीटच योर फोटो फ्रॉम दिस टू दिस। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू इट। सो गाइस, आई वुड लाइक टू टेल यू फर्स्टली व्हाट यू हैव टू डू विद योर पिक। यू हैव टू कंट्रोल द एक्सपोजर ऑफ योर फोटो। Okay, the first step is if you are editing your picture, so firstly you have to control the exposure. And what is exposure? Is exposure मतलब जब भी आप कोई फोटो क्लिक करते हैं अपने फ़ोन से, तो आपका जो फ़ोन है उसमें जो कैमरा है वो कैमरा सारी लाइट को कैप्चर करता है आपके पिक में। तो जब भी आपकी कोई फ़ोटो क्लिक होती है तो उसमें बहुत सी लाइट आ जाती है, तो जितने भी कलर्स हैं फोटोज़ में वो बाउंस नहीं हो पाते। तो उसी को पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक्सपोजर कंट्रोल करते हैं, मतलब लाइट को कंट्रोल करते हैं, बैलेंस करते हैं कि लाइट हमारी कंट्रोल हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद हम कलर्स को बाउंस करते हैं, और वो कैसे करते हैं मैं आपको अभी बताऊंगा इन अ फ्यू सेकंड। और जो आपके फ़ोन में जो कैमरा होता है वो मिररलेस होता है। अब इन दी अपकमिंग वीडियोज़ आई विल टेल यू व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन DSLR एंड द मिररलेस कैमरा। कि फ़ोन में जो होता है वो मिररलेस कैमरा होता है, और मिररलेस कैमरे का क्या वर्क होता है, वो जितनी भी लाइट कैप्चर कर सकता है वो लाइट कैप्चर करता है, ठीक है। तो अब ये वाली वीडियो देखिए जिसमें मैं बताऊंगा कि कलर्स कैसे मैनेज करना है और आपको एक्सपोजर कैसे कंट्रोल करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लाइट रूम ऐप डाउनलोड कर लेना है। ओपन करने के आपको राइट हैंड साइड में आना है, आपको इसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको देखो एक्सपोजर का मतलब होता है, अगर मैं इसे माइनस में कर दूंगा तो ये डार्क हो जाएगा एकदम, और इसे एकदम प्लस कर दूंगा तो लाइट आ जाएगी। तो आपको इसका बैलेंस देखना है कहाँ पे हो रहा है, ठीक, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा ज़्यादा। तो आपको बैलेंस देखना है किधर, अब आप इधर देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो पहले और अब देखो हमने कितना कंट्रोल कर लिया है, भी आगे भी हम देखेंगे, ठीक है। अब कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट मतलब होता है कि हमें अब जितनी भी कलर है उसका कलर जो है वो डाउन हो जाएगा, मतलब ग्रेइश सा कलर हो जाएगा। तो हमें कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाना नहीं है, इसे कम करना है, जितना भी नहीं कम, मतलब लिटिल बिट कम करना है। उसके बाद हम आगे कलर को वो सही करेंगे आगे, इसलिए आपको इधर कम करना है, जिससे कि ठीक हाइलाइट्स को आपको इसको थोड़ा सा बढ़ाना है, ठीक। शेडोज़ को आपको शेडोज़ लानी है ना, अब ये गिर गई शेडोज़, आपको ठीक है। वाइट्स, वाइट अगर मैं ये कर दूंगा तो आपको वाइट को बढ़ाना नहीं है, कम करना है, और ब्लैक्स को आपको बढ़ाना है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया डन। अब आपको क्या करना है, आपके फोटो का टेम्परेचर डिसाइड करना है ब्लूइश या फिर येलोइश कलर में। तो इधर कर दोगे तो ब्लू हो जाएगा एकदम, और आपको थोड़ा सा येलो टोन में भी नहीं, येलो टोन में ज़्यादा कर दोगे तो इधर हो जाएगा, आपको इतना रखना है, ठीक है। टिंट वाइब्रेंस को आपको क्या करना है, इसको एज इट इज रखना है, टिंट को नहीं कुछ छेड़ना, टिंट में आपका कलर चेंज हो जाएगा पूरी बॉडी का, ख़राब हो जाएगी फोटो। वाइब्रेंस में आपके कलर सारे उभरेंगे देखो, ठीक है, ना आपको कम करना है ना एकदम ज़्यादा, बैलेंस देखना, सैचुरेशन ठीक है। अब आपको ये ऊपर देख सकते हैं आप मिक्स का बटन है, इस पर क्लिक करना है,
अब आपको बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है, इसे पढ़ाना, मतलब आपके स्किन टोन के हिसाब से, ज़्यादा भी नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब येलोश में आ जाना, येलो में आप देखना है आपको, ठीक है। अब देखो आपकी फोटोज में येलोश बन है, कुछ नहीं करना आपको, सेचुरेशन गिरा देनी है अगर आप ग्रेस फील लाना चाहते हैं, ठीक। येलो कलर आपने गिरा दिया, ठीक है। अब आपको सैचुरेशन देखनी है, सैचुरेशन बढ़ाई आपने, सैचुरेशन बढ़ानी है। अब आप पीछे पेड़ दे सकते हैं, तो अब हम इसका कलर हम कैसे बदलेंगे, सैचुरेशन आपने बदली, ठीक है। अब उसके बाद कुछ नहीं, लुमिनेंस को कलर चेंज करना है, तो आप डन करा। अब आपको आना है इस पे, विंडो से आप देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले नीचे आ जाइए, इधर विग्नेट बढ़ाना है, ठीक है। आपने विग्नेट बढ़ा लिया, आप फोटो देख सकते हैं। अब हमने कितने कलर्स को कंट्रोल करा है ये देखिए। क्या आप यहाँ शेयर का बटन देख सकते हैं, शेयर का बटन क्लिक करेंगे, सेव टू डिवाइस। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इफ यस सो गिव अ बिग थम्स अप फॉर दिस वीडियो। मैं ऐसी प्रोफेशनल कंटेंट लाता रहूंगा और आपको एडिटिंग में बादशाह बनाता रहूंगा। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में कुछ न्यू क्रिएटिविटी लेके।